Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. बॉलीवुड फिल्मों के उभरते सितारे रणवीर सिंह अब एक से एक हिट फिल्म में बॉलीवुड के अंदर रिलीज करते जा रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह का बोलबाला बजता ही जा रहा है। जी हां दोस्तों, रणवीर सिंह इतनी शानदार मूवीज़ अब रिलीज कर रहे हैं जिनको दर्शक काफ़ी पसंद कर रहे हैं, और साथ ही साथ रणवीर सिंह की फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ती जा रही है। हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म सिम्बा ने बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर कर दिखाया, तो वहीं अब 14 फरवरी के दिन रिलीज़ हुई गली बॉय ने भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे रणवीर सिंह की उन फिल्मों के बारे में जो कि हाल ही में सुपरहिट रही, और किस मूवी ने पहले दिन के अंदर सबसे ज़्यादा कलेक्शन करके दिखाया। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म गली बॉय के फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में। तरण आदर्श जो कि एक बहुत बड़े मूवी क्रिटिक हैं, उनके एक ट्विटर हैंडल अकाउंट से एक ट्वीट के मुताबिक इस फिल्म ने पहले दिन 19.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है, जिसमें ये मूवी थर्सडे के दिन रिलीज़ की गई थी। पहले इस मूवी का कलेक्शन 18.70 करोड़ रुपए आंका जा रहा था, पर अब इस मूवी का कलेक्शन रिवाइज करने के बाद 19.40 करोड़ रुपए का आंका जा रहा है। तो वहीं अब दूसरी और हम बात करें अगर उससे पहले रिलीज़ हुई फिल्म सिम्बा के बारे में, जिसके अंदर आप सभी को रणवीर सिंह के साथ साथ सारा अली खान, जिनकी बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद दूसरी फिल्म रही वो भी रणवीर सिंह के साथ, तो उस फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन के बारे में बात करें तो ट्विटर हैंडल अकाउंट तरण आदर्श के अनुसार सिम्बा मूवी ने 20.72 करोड़ रुपए का ओपनिंग डे का कलेक्शन कर दिखाया। और तो वहीं तीसरी और बात करें रणवीर सिंह की मूवी पद्मावत के बारे में, जिस मूवी के अंदर रणवीर सिंह ने एक विलन का किरदार निभाया था, जिसको भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया और खूब प्यार भी दिया। लोग रणवीर सिंह के इस किरदार से बहुत प्रभावित भी हुए। तो वहीं इस मूवी का पहले दिन का कलेक्शन था 19 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, 19 करोड़ रुपए का कलेक्शन इस मूवी ने पहले दिन कर दिखाया था। हालांकि ये मूवी कई शहरों में रिलीज़ भी नहीं की गई थी, उसके बावजूद इस फिल्म ने 19 करोड़ रुपए का ओपनिंग डे का कलेक्शन कर दिखाया। इस मूवी में आप सभी को दीपिका पादुकोण रानी पद्मावती के किरदार में नज़र आई, तो वहीं शाहिद कपूर भी आप सभी को इस फिल्म में नज़र आए होंगे। तो वहीं रणवीर सिंह इस फिल्म के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया, जो कि इस फिल्म के विलन थे। विलन होने के बावजूद रणवीर सिंह ने अपनी ये मूवी को सुपर डुपर हिट का करार दे दिया। तो वहीं हम बात करें रणवीर सिंह की बाकी की दो मूवीज़ के बारे में जो कि आज तक सबसे ज़्यादा अच्छा कलेक्शन फर्स्ट डे में कर पाई हैं, तो वो है गुंडे और गोलियों की रासलीला रामलीला, जिसके अंदर आप सभी को रणवीर सिंह के साथ साथ दीपिका पादुकोण भी नज़र आई होंगी। तो वहीं बात करते हैं पहले गुंडे मूवी के कलेक्शन के बारे में। गुंडे मूवी ने पहले दिन 16.12 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर दिखाया था। जिस मूवी से रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर की दोस्ती झलकती है, तो वहीं प्रियंका चोपड़ा भी आप सभी को इस फिल्म के अंदर नज़र आई होंगी। तो वहीं अब दूसरी फिल्म के बारे में बात करें जिसके अंदर रणवीर सिंह के साथ साथ दीपिका पादुकोण भी नज़र आई थी, वो है गोलियों की रासलीला रामलीला। इस फिल्म के अंदर रणवीर सिंह ने बहुत अच्छा किरदार निभाया और बहुत ही मज़ेदार इस फिल्म को बना दिया था, और पहले दिन इस मूवी ने 16 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर दिखाया था। जी हां दोस्तों, कुछ इस तरह से रणवीर सिंह की हर मूवी का ओपनिंग डे का कलेक्शन रहा है। तो वहीं पद्मावत, गली बॉय, सिम्बा जैसी मूवीज़ तो हाल ही में रिलीज़ हुई हैं, तो वहीं गुंडे और गोलियों की रासलीला रिलीज़ हुए काफ़ी समय हो चुका है, और 16 करोड़ रुपए का ओपनिंग डे कलेक्शन उस टाइम पे भी बहुत मायने रखता था, और इससे साफ झलकता है कि रणवीर सिंह का स्टारडम कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। रणवीर सिंह की सारी फिल्में 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ओपनिंग डे कलेक्शन ज़रूर देती है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि गली बॉय मूवी जो है वो पद्मावत और सिम्बा मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं? क्योंकि रणवीर सिंह जब भी कोई मूवी लेकर आए हैं, उनकी हर नई मूवी का एक नया रिकॉर्ड ज़रूर देखा जाता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने ये मूवी देखी है
तो ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो जल्द जाके सिनेमाघरों में ये मूवी देखें और हमें कमेंट करके बताएं। और बाकी की ऐसी और भी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको बॉलीवुड से जुड़ी या फिर गली बॉयज से जुड़ी हर खबर मिले यहाँ पे सबसे पहले।